एनर्जी लॉस इन शेयरिंग ऑफ चार्ज इन कंडक्टर। हमने किया था कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर की कैपेसिटेंस C1 वोल्टेज V1 है, दूसरे कंडक्टर की कैपेसिटेंस C2 और वोल्टेज V2 है एंड V1 ग्रेटर देन V2 है, क्लियर। फिर हमने क्या किया था, इन दोनों ने शेयर किया था अपना शेयरिंग, तो क्या हुआ था, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो होने लगा था, चार्ज फ्लो होना। और कब तक हुआ था, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम भी ना हो जाए। लेकिन इस प्रोसेस में जब थ्रू द वायर चार्ज फ्लो होता है तो इन द फॉर्म ऑफ हीट बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाती है। हमें निकालनी है व्हाट इज द एनर्जी लॉस, क्लियर है। अब एनर्जी लॉस कैसे पता चलेगी, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, यही करना पड़ेगा, ठीक है। देन एनर्जी ऑफ कंडक्टर, बिफोर शेयरिंग इज इक्वल टू, इसकी होगी हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस इसकी होगी हाफ C2V2 स्क्वायर। एनर्जी ऑफ कंडक्टर आफ्टर शेयरिंग, इसकी होगी हाफ C1V स्क्वायर, क्योंकि अब पोटेंशियल V हो गया, हाफ C2V स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं हाफ C1 प्लस C2 इनटू में V स्क्वायर। एनर्जी लॉस विल बी इक्वल टू E इनिशियल माइनस ई फाइनल, क्लियर। इनिशियल ये रही आपके पास C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, फाइनल ये रही आपके पास हाफ C1 प्लस C2 इंटू में V स्क्वायर। अब मैं हाफ कॉमन ले लूं सब में से, मैंने हाफ कॉमन ले लिया सब में से, बाहर कर दिया इसको, ये आ गया C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2V स्क्वायर, हो गया। अब देखिए ये है कॉमन पोटेंशियल V, ये तो कॉमन पोटेंशियल था, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हमने क्या निकाली थी वो रखते हैं यहां, हाफ कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू रखता हूं मैं यहां पर, जो थी हमारे पास हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू थी C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है हमें, बस और कुछ नहीं करना, चलिए सॉल्व करते हैं। एनर्जी लॉस C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 हो गया, स्क्वायर है तो यानी ऊपर वाली का भी टर्म का स्क्वायर है और नीचे वाले टर्म का भी स्क्वायर है। अब ऊपर वाले टर्म का स्क्वायर आ जाएगा A प्लस B का स्क्वायर, तो इसको ओपन करेंगे जब हम तो क्या आएगा हमारे पास, C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर प्लस 2C1V1C2V2। ऊपर वाले टर्म का स्क्वायर तो हमने खोल लिया, नीचे वाले का मैं ऐसे का ऐसे रख लेता हूं, क्यों रीजन बताता हूं अभी। ये लीजिए, स्क्वायर से मैंने एक टर्म काट दी, अब ये क्या बन जाएगा, हाफ C1V1 का स्क्वायर C2V2 का स्क्वायर, ये एलसीएम बच गया, चलो एक लाइन और लिख लेते हैं, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, खोल दिया स्क्वायर, प्लस 2C1C2V1V2।
क्लियर। बोलिए, अब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यही होगा है ना। एलसीएम लेते हैं पापा हाफ। तरीका यह है, पहले सी वन की दोनों से मल्टीप्लाई, फिर सी टू की दोनों से मल्टीप्लाई और माइनस अंदर खोल देंगे। पहले सी वन की इससे मल्टीप्लाई करते हैं। सी वन की इससे मल्टीप्लाई, सी वन इंटू में सी वन, सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर, फिर सी वन की इससे मल्टीप्लाई, सी वन सी टू वी टू स्क्वायर, पहला काम। दूसरा काम, सी टू किससे मल्टीप्लाई, सी वन सी टू वी वन स्क्वायर, फिर सी टू की इससे मल्टीप्लाई, सी टू इंटू सी टू सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर, क्लियर। अब माइनस खोलेंगे तो इस ब्रैकेट को चेंज करेंगे, माइनस इसको खोला, सी वन वी वन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सी टू वी टू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस टू सी वन सी टू वी वन वी टू, पूरे का डिनोमिनेटर क्या आएगा आपके पास, सी टू। क्लियर हो गया, बोलिए, कैंसिल कर दीजिए, सी वन वी वन स्क्वायर सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर सी टू स्क्वायर और वी टू स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या बच गया, सी वन सी टू सी वन सी टू सी वन सी टू, सब में कॉमन है, बाकी चीजें कैंसिल होगी। देखो इसमें भी सी वन सी टू, इसमें भी सी वन सी टू और इसमें भी सी वन सी टू, अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा, सी वन सी टू कॉमन ले लिया, यहां से यहां बच गया वी टू का स्क्वायर, यहां बच गया वी वन का स्क्वायर, वी टू का स्क्वायर प्लस वी वन का स्क्वायर, यहां बच गया माइनस सी वन सी टू, तो कॉमन आ गया टू वी वन वी टू। इस पूरे के बटे में क्या आ गया, सी वन प्लस सी टू, एनर्जी लॉस, क्लियर। तो नेट एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या आ गया, एनर्जी लॉस इज इक्वल टू हाफ सी वन सी टू इंटू में, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, वी वन माइनस वी टू का स्क्वायर अपॉन में सी वन प्लस सी टू, एनर्जी लॉस। क्लियर हो गया, इस तरह से हम एनर्जी लॉस इन शेयरिंग ऑफ चार्ज इन कंडक्टर्स निकाल सकते हैं। क्लियर।